बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचने वाले हैं और जहां पर वे कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कल ही नंद कुमार साय ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता समेत कई पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस मामले में इस्तीफा पत्र अपना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भेजा था। इसमें उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी और बताया था कि वे अटल जी के समय से बीजेपी से जुड़े रहे और इस दौरान उन्होंने कई पदों पर काम किया। 3 बार के विधायक रहे और 3 बार के सांसद रहे, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान वो नेता प्रतिपक्ष भी बने रहे। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने अपने दुख और व्यथित और आहत होने को बताया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने इतने साल तक बीजेपी में अपनी सेवाएं दी, राजनीति के कई महत्वपूर्ण पदों पर वे रहे, इसके बावजूद भी उन्हें वो मुकाम नहीं दिया गया जिसकी वो चाहत रखते थे। आपको बता दूं कि इस समय बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का छत्तीसगढ़ दौरा चल रहा है। वे लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं और ऐसे समय में बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता का पार्टी से इस्तीफा दे देना और कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वरिष्ठ आदिवासी नेता को कांग्रेस में किस पद पर रखा जाता है, उन्हें क्या दायित्व दिया जाता है और कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें किस महत्व क्या जिम्मेदारी लेती है, क्या महत्वपूर्ण पद देती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बातचीत कर रहे हैं कि आज जो है नंद कुमार साय बीजेपी में कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, पार्टी को क्या मजबूती मिलेगी, किस दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी। शायद कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जानकारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के रहे, आदिवासी नेता रहे, क्षेत्र प्रदेश स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता है और पार्टी के आदिवासी विरोधी रवैये से वो पूरी तरह से पीड़ित हैं और उससे नाराज होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। इस नेता ने इस पार्टी को मजबूत किया, उसको फलवित किया लंबे वर्षों तक और पार्टी के अंदर यदि उनका अपमान हो कोई जब तक अपमान को बर्दाश्त करेगा और उन्होंने अंततः एक फैसला लिया है और पूरे आदिवासी समाज में यह संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए आदिवासी हित की बात करती है लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता आता है तो आदिवासियों को दूर करती है। पीड़ित होकर के आज वरिष्ठ नेता पार्टी से इस्तीफा दिया, कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस वैसे भी आज आदिवासी आज जो पूरी तरह से प्रदेश ही नहीं देश में आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ है और उनके आ जाने से और भी कांग्रेस को मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 महीने ही निश्चित तौर पर जो लोग कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी विरोधी है भारतीय जनता और उनके फैसले से हमारे आरोप जो है वो साबित होते हैं और आदिवासी वर्ग का वोट हम लोगों को और भी इस घटना से जो लोग भी उनके समर्थक रहे होंगे उनका भी मोह भारतीय जनता पार्टी से माना होगा और उसका लाभ कांग्रेस की सदस्यता ले रहे जा। अब ये पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है कि उनको सम्मान देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपेक्षा हुई है उससे व्यथित होकर भाजपा छोड़ी है, अब ये कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या लगता है उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, तो करेंगे
नंद कुमार शाह कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। नंद कुमार शाह जी कांग्रेस पार्टी में स्वागत होते हैं, शामिल होते हैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कांग्रेस पार्टी क्या जानकारी मुझे मिलेगी कुछ बता दें तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। अमरउजाला.com पर पल पल की खबर से आप इसी तरह अवगत होते रहेंगे। मैं लगातार रायपुर से अपडेट खबरें देते रहूंगा। रायपुर से अमरउजाला.com के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।